शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह पूरे रमजान के महीने में दो चपातियां खाई, पहले रमजान से लेकर आखिरी रमजान तक पूरे रमजान में दो रोटियां खाई, दो चपातियां खाई। मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कर दिया हजरत जी, कमजोरी आ जाएगी, नकाहत आ जाएगी, ज़ईफी छा जाएगी, कुछ न कुछ खा लिया करो। फरमाने लगे मौलाना रात को भी दिन को भी सुबह भी शाम भी हर वक्त कुरान करीम की तिलावत करता हूँ, कलाम पाक की तिलावत करता हूँ। ओ मौलाना मेरे मुंह में जन्नत के मेवों और फलों का मजा आता रहता है, दुनिया ही में मेरे मुंह में जन्नत के फलों का मजा आता रहता है, मैं तो दुनिया ही में जन्नत के मेवे खाता रहता हूं। इस कदर बरकतों वाला है रमजान और इस कदर बरकतों वाला है कुरान, खुदा की कसम कुरान से यारी लगा के तो देख ये तुझे कहां पहुंचाएगा। उलमा इकराम ने लिखा है कि जब आदमी सुबह शाम की पहचान करता है रमजान की वजह से, हां इफ्तार के वक्त और सुबह सहर के वक्त की पहचान खास तौर से पैदा किया करो, पहचान किया करो। हम बड़ी कोशिश करते हैं, पोस्टर भी छपवाया, ऐलान भी कराते हैं, 16 घंटे का रोजा अगर तुमने दो चार मिनट की वजह से बर्बाद कर लिया तो क्या हाथ आया। वक्त पे खाओ, वक्त पे पियो, यूं ही खान का बेवकत दो घूंट पानी पीकर अपने रोजे को बर्बाद करना ये कोई अकलमंदी है। ईशा शर्मा मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अलावा चार चीजों की कसरत किया करो रमजान मुबारक के महीने में, पल्ले बांध लो, याद कर लो। औरतें भी मर्द भी, अमीर भी गरीब भी, छोटे भी बड़े भी, फरमाया हर वक्त हर आन हर घड़ी हर लम्हा चलते फिरते उठते बैठते कारोबार करते जमीन का काम करते दफ्तर में काम करते ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया जब मेरा बंदा